पार्ट थ्री लेके मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं और मैं हर बार आपको बताता हूँ कि जो लोग, जो फ्रेंड्स या जो स्टूडेंट्स ट्रिपल सी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर ट्रिपल सी प्लस की एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, ये सारे फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिपल सी प्लस और ट्रिपल सी की एग्ज़ाम में 50 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल सेशन होता है, उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एमएस वर्ड में मेल मर्ज कैसे किया जाता है। तो आपको प्रैक्टिकली प्रूव करना है कंप्यूटर के ऊपर, वहाँ जाके मेल मर्ज में, और वो भी एमएस ऑफिस वर्ड में। तो आज मैं आपके सामने कंप्यूटर लर्निंग का ये तीसरा पार्ट मेल मर्ज इन एमएस ऑफिस वर्ड लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मेल मर्ज इन एमएस वर्ड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत साल पहले 2003 का वर्जन चल रहा था कंप्यूटर की दुनिया में। एमएस वर्ड में 2003 का वर्जन चल रहा था। उस टाइम पे ये i5 वाला प्रोसेसर भी नहीं था, और आज के इस एडवांस जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है, ये सारी उपलब्धियां नहीं थी। तो उस टाइम विंडो 3 यानी कि 2003 वाला विंडो चल रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि आपकी एग्ज़ाम जो देने आप जा रहे हैं, वहाँ पर जो कंप्यूटर आपको अवेलेबल होगा, उसमें ये सारे कंप्यूटर में आपको ये सभी प्रैक्टिकल्स 2003 वर्जन में करना होगा। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर मेल मर्ज 2003 की सिस्टम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मेल मर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करना होगा। एमएस वर्ड, जैसे कि आप स्टार्ट मेनू में जाएंगे, फिर एमएस वर्ड लिखेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले एमएस वर्ड में आपको लेटर टाइप करना होगा, और वो लेटर टाइप करते और टाइप करने के बाद आपको कंप्यूटर की ऊपर की लाइन जो है, वहाँ पर सारे आइकॉन्स है या टूल्स बार है, वहाँ पर जाके आपको टूल्स का ये पसंद करना होगा, टूल्स का ऑप्शन पसंद करना होगा। टूल्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, तुरंत लेटर्स एंड मेलिंग वहाँ पर खुल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्लाइड में 2003 का वर्ज़न मैंने बताया है। यहाँ पर आज की दुनिया में, आज के ज़माने में, इस टाइम में लेटेस्ट वर्जन जो है 2010 वाला, ये थोड़े सारे जो ये आइकन्स है वो चेंज हो गए हैं, लेकिन उस टाइम में 2003 के वर्ज़न में यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन आता है। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, तुरंत लेटर्स एंड मेलिंग खुल जाएगा। लेटर्स एंड मेलिंग में जाके उसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेल मर्ज का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये जो पहली स्लाइड है उसमें ऊपर वाली फिगर में मैंने ये आपको बताया है, जैसे कि वर्ड ओपन करके फिर मैंने ये लेटर टाइप किया, टूल्स में जाके ये जो मेनू बार है वो ओपन होगा, वहाँ पर लेटर एंड मेलिंग का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ मेल मर्ज का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाला जो है, ये राइट साइड में ये ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो टूल्स है वो आपके लिए अब खुले हो गए। तो ये ऑप्शन में जाके यहाँ पर जो लेटर्स लिखा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तुरंत ही यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है वो स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में, तुरंत नेक्स्ट सिलेक्ट रिसिपियंट, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टाइप अ न्यू लिस्ट आ जाएगा। ठीक है,
तो इस हिसाब से आपको स्टेप वाइज बहुत केयरफुली और शांति से आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, जैसे आप रिसिपिएंट में जाएंगे और उसके बाद क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट का ऑप्शन जब आता है तो ये मेनू बार खुल जाता है। ये 2003 का वर्ज़न है, आज के नए वर्ज़न में ये टूल्स थोड़े अलग प्रकार से आते हैं, लेकिन समझ में भी जल्दी आ जाते हैं। दोस्तों, जैसे ये टूल बार ओपन होता है, मेनू बार ओपन होता है, तो यहाँ पर न्यू एड्रेस लिस्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मेनू बार खुल जाता है और यहाँ पर टाइटल लिखा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन टू, सिटी, फिर स्टेट, फिर टेलीफोन नंबर, ये सारे ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मान लो अगर आपको यहाँ पर सारी एंट्री आपको पसंद है या आपको चाहिए तो आप इसमें लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, ये सारी बातें लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप जिसको भी मेलिंग करना चाहते हैं, जितना लिस्ट और हर लिस्ट में जितना आप ये फोल्डर्स चाहिए उतना ही रख सकते हैं, क्योंकि मुझे टाइटल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ डिलीट एंट्री में जाके टाइटल को कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ नेम लिखना है, तो डिलीट एंट्री में जाके फिर से फाइंड एंट्री, नई एंट्री आप करके, या फिर यहाँ आके न्यू एंट्री करके आप सिर्फ नेम लिखेंगे तो यहाँ पर नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर नेम, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितनी एंट्री चाहिए उतनी आप न्यू एंट्री से एंड डिलीट एंट्री से, इसमें से जो नहीं चाहिए उसको आप यहाँ जाके डिलीट कर सकते हैं, जो आपको नई एंट्री जिस नाम से चाहिए यहाँ जाके आप न्यू एंट्री भी एंटर कर सकते हैं। और जैसे आप ये करेंगे उसके बाद कस्टमाइज पे आपको जाना है। ये सारी बातें जो मैंने बताई, ये सारी बातें आप कस्टमाइज में जाके भी कर सकते हैं। मान लो आपने कस्टमाइज के ऊपर क्लिक कर दिया तो फिर ये मेनू बार खुल जाएगा, तो यहाँ पर भी लिखा है कि इसमें से क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जाके आप डिलीट कर सकते हैं और ये सारी डिलीट, इसमें से जो नहीं चाहिए उसको डिलीट करके फिर नहीं आप कौन लिखना चाहते हैं वो भी यहाँ ऐड में जाके कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मान लो आपको किसी को मेल करना है या एड्रेस लिखना है तो सिर्फ नेम, लास्ट नेम, कंपनी नहीं लिखना चाहते तो उसको यहाँ जाके डिलीट मार दीजिए, ठीक है। फिर एड्रेस, तो 1, 2, 3 एड्रेस और सिटी, फिर यहाँ जिप कोड है, कई बार आप पिन कोड लगाना चाहे तो यहाँ पर जाके आप डिलीट में जाके उसको कैंसिल करके फिर पिन कोड भी कर सकते हैं, या यहाँ पर क्लिक करके आप उसको रीराइट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितनी एंट्री आपको चाहिए उतनी एंट्री रखिए और फिर ओके दे दीजिए। आपने यहाँ पर नेम लिखा है लेकिन गलती से नेम यहाँ पर आ गया तो आप उसको मूव करके ऊपर भी ले जा सकते हैं, यहाँ मूव अप लिखा है ऊपर ले जा सकते हो। इसमें किसी भी एंट्री को आप नीचे ले जाना है तो मूव डाउन करके नीचे भी ले जा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है, उसके बाद आपको ओके करना है, ठीक है। तो जैसे कस्टमाइज के ऊपर आप क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन खुलती है, उसमें जो चाहिए उसको रखो, नहीं चाहिए उसको डिलीट लगा दो, उसके बाद आपको यस करना है, ओके करना है, ठीक है, उसके बाद ऐड करना है, डिलीट लगाना है तो डिलीट लगाओ। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन हमने बताई उसके अंदर जो चाहिए उसको रखा, नहीं चाहिए उसको डिलीट लगा दिया, फिर यस ओके कर दिया, फिर ऐड लगा दिया, तो जैसे आप ऐड करेंगे तुरंत ये खुल जाएगा ऐड फील्ड। अगर आप यहाँ पर किसी का नेम लिखना चाहते हैं तो नेम लिख सकते हैं, जो जो एंट्री आपने लगाई, सिटी लगाई तो सिटी में आप जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, बम्बई कुछ भी लिख सकते हैं, अहमदाबाद कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपका ये पूरा जो न्यू लिस्ट है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद ओके करना है, जैसे जैसे ये लिखा उसके तुरंत बाद ओके करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका ये न्यू लिस्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये जब तैयार हो गया तो यहाँ पर तुरंत आप देख सकते हैं नेम, एरिया, सिटी, पोस्ट, ये सारी बातें आपने लिख ली,
तो ऐड के ऊपर क्लिक करने से ये स्क्रीन आपको मिलेगी, उसमें जो मांगा है वो आपने फिल कर दिया, फिर ओके कर दिया और फिर ऐड भी कर दिया। ऐड करने के बाद तुरंत जो स्क्रीन आएगी वो ये आएगी, ये वाली स्क्रीन आपको दिखाई देगी। वो इसको ओके करने के बाद आपको इस तरह से जो नाम लिखा है उसका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मान लो आपने एक से ज़्यादा एंट्री मारी है नेम की, तो जितने भी नेम आपने लगाए हैं 3 या 4 लोगों या 20 या 25 लोगों का, वो सारी बातें एक एक करके यहाँ पर उसका सारा डेटा यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप नेम, फिर एरिया, फिर सिटी और फिर उसके पोस्ट। ठीक है, उसको आप क्लोज कर देंगे। फिर ऐड करने के बाद जो ये स्क्रीन दिखाई दे रही है इसके ऊपर ओके करना है, तुरंत इसमें एड्रेस वगैरह आ जाएगा। जैसे आप मान लो यहाँ पर मुझे एड्रेस चेंज करना है, तो भी आपको यहाँ पर एड्रेस चेंज करने की स्पेस रहती है। उसके बाद दूसरी एंट्री, दूसरा नेम लिखो, उसका ये सारे डिटेल्स डेटा लिख लो, फिर ओके कर दो, फिर न्यू एंट्री, फिर तीसरा नाम। जितने भी नेम की लिस्ट आपको चाहिए उतने सारे नेम और उसका एड्रेस प्रूफ वगैरह आप यहाँ पर लिख के एक एक करके उसके बाद आपको ये क्लोज करना है। ठीक है, क्लोज जब आप करेंगे उसके बाद सेव एड्रेस लिस्ट, जो आपने ये पूरा एड्रेस और पूरा नेम लिस्ट जो न्यू एंट्री का तैयार किया, ये क्लोज करने के बाद तुरंत आपको सेव एड्रेस का लिस्ट कहाँ पर सेव करना है, तो दोस्तों इसको माय डॉक्यूमेंट में जाके सेव करना है आपको। ठीक है, और उसका फाइल का जो नेम है उसकी फाइल को आपको रीनेम करनी होती है या फिर नया नेम डालना है यहाँ पर, उसके बाद सेव करना है आपको। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फाइल डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी। आप चाहते हैं कि इसको डेस्कटॉप पर सेव करें तो डेस्कटॉप पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पर यहाँ क्लिक करने से सेव हो जाती है। उसके तुरंत बाद क्लोज करेंगे, फिर सेव करेंगे, उसको सेव की हुई फाइल जो है तो उसको ओके करने के लिए यहाँ पर ऐसी स्क्रीन, जैसे आप सेव करोगे फिर ओके करोगे तुरंत ये खुल जाएगा, जो आपने सबसे पहले वर्ड में ये टाइप किया था वो लेटर आपका खुल जाएगा। और ये सारी टू नेम जितने भी एंट्री आपने डाली थी वो सारी एंट्री यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली स्क्रीन उसके ऊपर आप देख सकोगे। अब जब आपने लेटर टाइप किया है वहाँ जो टू लिखा है, टू दी या नेम, एरिया, सिटी, तो वहाँ पर नेम के ऊपर आपको कर्सर लगाना है। ठीक है, उसके बाद मेल मर्ज में 6 नंबर का जो बटन है वो सिक्स नंबर का बटन जो मेल मर्ज में जाएंगे तो वो आपको मिलेगा इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड जो है उसके ऊपर जाके आप क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पर खुल जाएगी, यानी कि इस टाइप का एक बॉक्स खुलेगा। और ये जो बॉक्स खुलेगा उसमें जाके आपको इंसर्ट जो है ना, ये स्क्रीन आपको मिलेगी, इंसर्ट मर्ज फील्ड। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करने से ये स्क्रीन आप दिखाई देगी आपको, उसमें इंसर्ट पे जाके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में आपको ये सारी डिटेल अपने आप लिस्टिंग की हुई यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। इसका मतलब है मेल मर्ज रिसिपिएंट, जिस को आप ये मेल मर्ज जो है वो भेजना चाहते हैं वो सारे रिसिपिएंट्स यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेल मर्ज जो है उस बॉक्स में लास्ट में 4th नंबर की जो ये है वो है मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मर्ज मेल में लास्ट में 4th नंबर का जो ये टूल है
उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके तुरंत बाद वहाँ पर क्लिक करेंगे मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो ये बॉक्स खुल जाएगा। इसके ऊपर जो ऑल लिखा है उसके ऊपर आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो तुरंत आपको ये आपका लेटर जो है वो इसी तरह से मर्ज के फॉर्म में, मेल मर्ज के फॉर्म में मिल जाएगा। और इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, यहाँ पर कर्सर से स्क्रॉल करते जाओगे, तो ये सारा जो राइटिंग्स है, ये सारा लेटर है वो एज इट इज़ कॉमन मिलेगा। लेकिन ये जो है टू वाला ये पोर्शन आपको आपने जितने भी नाम डाले हैं उन सभी नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये पहला पेज होगा। उसके बाद आप जैसे स्क्रॉल करते जाओगे यहाँ कर्सर लेके, तो सभी रिसिपिएंट का नाम वाला ये सेम लेटर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से मेल मर्ज जो है उसकी स्किल आपको एक दो बार प्रैक्टिस करने से बिल्कुल आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अन्य ऑल भी जो ऑल दी ग्रुप्स आपके पास है वो सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर भी करना मत भूलिए। और इस वीडियो को सुनने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये अच्छी माहिती है, हमें बहुत हेल्पफुल हो सकती है, तो इस वीडियो को ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा। और वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियोस में लेटेस्ट वर्जन में मेल मर्ज कैसे किया जाता है ये वीडियो लेके पार्ट 4 के रूप में बहुत जल्द आपके सामने आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।